हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए अंडर 100 रुपीज़ मेकअप लुक लाई हूँ, ये जो मैंने क्रिएट की है। और हाँ, मुझे बिल्कुल कमेंट करके नीचे बताना कि ये लुक आपको कैसा लग रहा है। थोड़ा सा भी ये आपको पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ गाइस, आज मैं ये मेकअप लुक के लिए जितने भी प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ वो 100 रुपये के अंदर वाले प्रोडक्ट है या 100 रुपये तक वाले प्रोडक्ट्स हैं। सो ये वीडियो बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। सो ये थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो उसे सब्सक्राइब कर देना। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो स्टार्ट करते। फर्स्ट मैं मॉइस्चराइज़र के लिए यूज़ कर रही हूँ जॉय की आलमंड वाली मॉइस्चराइज़र क्रीम। इट्स नॉट मॉइस्चराइज़र क्रीम, बट ये उसी काइंड ऑफ क्रीम है। तो इसे मैंने परचेस किया, ये जस्ट 10 रुपीज़ की है। और ये इतनी ज़्यादा अच्छी है, मुझे इतनी पसंद आई ये क्रीम, बिल्कुल ऑयली नहीं थी। तो इसे एज अ मॉइस्चराइज़र मैं पूरे फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। अंडर 100 तक बहुत अच्छे मॉइस्चराइज़र थे, बट मुझे ये पसंद आई, मैं बोली चलो ट्राई करके देखते। सो लेकिन बहुत अच्छी थी। नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी प्राइमर। प्राइमर अंडर 100 तक तो नहीं मिलता है, तो इसीलिए मैं एज अ एलोवेरा जेल प्राइमर के लिए यूज़ कर रही हूँ। ये 100 रुपीज़ की है एलोवेरा जेल जो मैं यूज़ कर रही हूँ। और आपको पता ही है, अगर आपके पास प्राइमर ना हो तो एलोवेरा जेल भी प्राइमर का बहुत अच्छे से वर्क करती है और हमारा मेकअप भी लॉन्ग लास्टिंग रखती है। सो एज अ प्राइमर मैं एलोवेरा जेल यूज़ करूँगी पूरे फेस पे। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का गोल्ड वाला फाउंडेशन। अंडर 100 तक तो कोई भी अच्छे फाउंडेशन मिल जाते थे, लेकिन ये थोड़ा मुझे न्यू दिखा। और इसमें ये फाउंडेशन के अंदर जो गोल्ड वाले शिमरी थी, जो आपको शाइनी इफेक्ट दे, एक लाइक हाइलाइटर जैसा इफेक्ट दे गोल्ड वाला, तो इसलिए मैंने ये फाउंडेशन परचेस किया। और ये जस्ट 30 रुपीज़ का है, और उस हिसाब से तो मुझे इसकी जो क्वांटिटी बोलो या जो फाउंडेशन है वो अच्छा ही लगा, मतलब अच्छा ही है उस हिसाब से, तो अच्छा ही है। सो इसे मैं पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। लगाने के बाद ये बहुत ज़्यादा ऐसा आपको गोल्डन हाइलाइटर जैसा इफेक्ट देता है, सो अच्छा है फाउंडेशन। इसे मैं डैब डैब करके ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे आप पूरे सेट कर लूँगी। और गाइस, हमें ब्यूटी ब्लेंडर से इसीलिए सेट करना होता है क्योंकि जितना भी एक्स्ट्रा क्रीम होती है वो ब्यूटी ब्लेंडर निकाल लेता है, और जितना प्रोडक्ट हमारे फेस को चाहिए होता है उतना वो लग जाता है। तो इसलिए ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ही हमें हमारा फाउंडेशन सेट करना चाहिए। तो मैं डैब डैब करके पूरे फाउंडेशन को अच्छे से सेट कर लूँगी। और हम जो भी प्रोडक्ट लगाते हैं फेस पे, उसे हमें नेक पे लगाना बिल्कुल भूलना नहीं है। अपने गले पे भी हमें वो प्रोडक्ट लगाने चाहिए जो हम हमारे फेस को लगाते हैं, जिससे कि हमारा जो मेकअप है वो इक्वल दिखता है, नेचुरल दिखता है। नेक्स्ट मैम कंसीलर के लिए सेम फाउंडेशन यूज़ करूँगी, क्योंकि अंडर 100 कोई भी कंसीलर आता है नहीं। सो इसे ही मैं एज अ कंसीलर, जहाँ जहाँ पे हम कंसील करते उसे पे उसी जगह पे एज अ कंसीलर लगा रही फिर से। और इसे भी मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से सेट कर लूँगी अच्छे से। अगर आपके पास कोई भी कंसीलर नहीं हो तो आप जो अपनी एक्स्ट्रा जो फाउंडेशन होता है या फिर बीबी सीसी क्रीम होती है, उसे डबल वहाँ पे कंसीलर की जगह पे कंसील करोगे तो वो काम चलाओ टाइप चल जाएगा। तो देखा गाइस, आपने जितना भी एक्स्ट्रा पाउडर था वो पूरा ब्लेंडर में लग गया। सो नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट के लिए मैं ब्लू हेवन का कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ, और ये जस्ट 75 रुपीज़ का है। और इसकी खुशबू, माय गॉड, इतनी ज़्यादा अच्छी कि मुझे बहुत पसंद आई। अगर आप डेली यूज़ के लिए कोई कॉम्पैक्ट चाहते हो सस्ता वाला, तो ये बहुत ही अच्छा कॉम्पैक्ट लगा मुझे। देखो गाइस, इसने मुझे बहुत कम टाइम में ही, मतलब मैंने जस्ट एक कोड अप्लाई किया और इसने मुझे इतना अच्छे से मेरा फाउंडेशन सेट कर दिया, वो भी मैट फिनिश। तो
ये कॉम्पैक्ट भी मुझे बहुत अच्छा लगा, और जस्ट 75 रुपीज़ में इतना अच्छा कॉम्पैक्ट, और उसकी खुशबू तो वाओ, लाइक बहुत ही अमेजिंग थी। मैं 10 बार उसकी खुशबू ले रही थी। सो मुझे ये कॉम्पैक्ट बहुत ही अच्छा लगा, और ये जो 75 रुपीज़ का है सो, और बहुत ही अच्छा वर्क किया, सो मुझे बहुत ही पसंद आया। इससे मैं अपना फाउंडेशन अच्छे से सेट कर लूँगी, अपने नेक पे भी लगाना है। वाह, और जितना भी एक्स्ट्रा पाउडर है उसे मैं एक ब्रश की हेल्प से निकाल दूंगी। नेक्स्ट मैं यूज कर रही हूँ ब्लू हेवन का काजल। इसके साथ आपको एक शॉर्पनर भी मिलता है जो कि बहुत अच्छा है, और ये भी जस्ट 75 रुपीज़ का है, और इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। वाटर प्रूफ है, स्वेट प्रूफ है, और लॉन्ग लास्टिंग भी स्टे करता है, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। तो मैं इसे एज अ आईब्रो पेंसिल भी यूज़ करूँगी, और एज अ काजल भी यूज़ करूँगी, और ये भी प्रोडक्ट मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। एक्चुअली ब्लू हेवन के प्रोडक्ट्स अच्छे ही होते हैं। सो नेक्स्ट में जो कमेंट करके बताना, मैं वन ब्रांड मेकअप लुक आपसे शेयर करूँ। सो पूरे ब्लू हेवन के प्रोडक्ट का अगर आपको चाहिए वन ब्रांड मेकअप लुक, तो वो भी मुझे कमेंट करके नीचे बताना, उस पर भी मैं आपके लिए वीडियो बना दूँगी। क्योंकि जो ब्लू हेवन के प्रोडक्ट्स होते हैं वो चीप प्राइस के प्रोडक्ट होते हैं, और जो बेस्ट प्रोडक्ट होंगे ब्लू हेवन के, उसका रिव्यू मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। सो मुझे नीचे प्लीज़ बताना। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का ही सेम 50 रुपीज़ का है ये आई शेडो पैलेट। ये थोड़ा क्रीम फॉर्म वाले आई शेडोज है, तो उसमें से मैं सिल्वर कलर लूँगी और उसे अपने पूरे आँखों पे, मतलब पूरे आईज पे अप्लाई कर लूँगी। थोड़ा क्रीमी फॉर्म है तो वो थोड़ा प्रॉब्लम जा रहा था उसे अप्लाई करने के लिए, बट आप फिंगर की हेल्प से करते हो तो वो अच्छे से अप्लाई हो जाता है। मुझे सिंपल सा आई मेकअप लुक क्रिएट करना था, बट थोड़ा सा शाइनी इफेक्ट देना था, सो इसलिए मैंने ये सिंगल कलर से ही पूरा आई मेकअप किया है। दोनों आंखों पे अच्छे से अप्लाई कर लूंगी मैं इसे। नेक्स्ट मैं लगाऊंगी लाइनर। लाइनर के लिए मैं यहाँ पे ब्लू हेवन का लाइनर लगा रही हूँ। ये ये भी 50 रुपये का है। सो और अच्छा है, मतलब इसका जो कलर है डार्कनेस ब्लैक वाला वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बट ये वाटर प्रूफ है, स्वेट प्रूफ है, आई डोंट नो, बट ये मुझे इसका जो कलर की थिकनेस है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। मैं थोड़ा सा डार्क लगा रही हूँ यहाँ पे। अगर आपको ज़्यादा डार्क लाइनर नहीं पसंद है, आप अपने अकॉर्डिंग अपना लाइनर लगा सकते हो। नेक्स्ट आईज पे भी मैं सेम अप्लाई करूँगी। मैं लगाऊंगी मस्कारा। मस्कारा के लिए मैं ब्लू हेवन का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, और ये भी 50 रुपीज़ का है। सो मुझे अच्छा लगा, अगर आप इसे 2-3 लेयर लगाते हो तो ये अच्छा वर्क करता है। और मस्कारा हमें अपने लोअर लैश पे भी लगाना चाहिए, तो इसे मैं अपने लोअर लैश अपर लैश दोनों पे अच्छे से लगा लूँगी। मस्कारा लगाना हमें ज़रूरी है गाइस, जिससे हमारे आंखें अट्रैक्टिव दिखती है, और हमारी जो लैश है वो बिग दिखाती है, थिक दिखाती है। सो इसलिए मस्कारा इट्स इम्पोर्टेंट स्टेप।
मैं दोनों आंखों पे अच्छे से लगा लूंगी मस्कारा। 50 रुपये में अच्छा है, अगर आप इसके 2-3 लेयर लगाते हो तो ये आपको अच्छा कवरेज देगा। नेक्स्ट मैं जितना एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है उससे अपनी आईब्रोज सेट कर लूँगी। फिर मैं सेम पैलेट लूँगी आई शेडो की और उससे जो ये पिंक शेड है उससे एज अ ब्लश लगा लूँगी। गाइज हम कभी भी कोई क्रीम फॉर्म वाला ब्लश लगाते हैं या लिपस्टिक को एज अ ब्लश लगाते हैं तो हमें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में उसे लगाना चाहिए, अदरवाइज वो बहुत ज़्यादा लग जाता है। सो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको करना है कि आपका जो कॉम्पैक्ट पाउडर है उसे उस पर थोड़ा सा लगा के अच्छे से सेट कर लेना है, तो आपका जो ब्लश है वो अच्छे से सेट हो जाएगा। नेक्स्ट मैं सेम पैलेट लूँगी और उसमें से गोल्डन कलर को अपने इनर कॉर्नर पर लगाऊंगी हाईलाइट करने के लिए और उसी को एज अ मैं हाईलाइटर जैसे भी यूज़ करूँगी अपने पूरे फेस पे, वही शेड को मैं एज अ हाईलाइटर यूज़ करूँगी और जितने मेरे फेस पे हाईलाइटिंग पॉइंट्स हैं उस सब पे अच्छे से अप्लाई करूँगी अपने नोज पे। अपने अपर लिप्स पे, अपने चिक बोन्स पे और गाइस सच में बहुत ही अच्छा हाइलाइटर का वर्क किया है ये कलर ने। और वैसे भी अंडर 100 रुपीज़ कोई हाइलाइटर आ नहीं रहा था तो इसी को एज ए हाइलाइटर मैंने अप्लाई कर लिया। नेक्स्ट मैं लगा रही हूँ लिपस्टिक, ये ब्लू हेवन की लिपस्टिक है, ये भी 100 रुपीज़ की है और ये बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है और मैट लिपस्टिक है और जब तक मैंने इसे निकाला नहीं है तब तक ये निकली नहीं है, इट मीन्स 100 रुपीज़ में बहुत अच्छी लिपस्टिक है। और बहुत ही इजीली अप्लाई हो जाती है। सो ये रहा मेरा फाइनल लुक गाइस, होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो और ये मैंने बहुत ही चीप प्राइस में मेकअप लुक क्रिएट किया है। सो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि ये लुक आपको कैसा लगा और ये वीडियो थोड़ा सा भी आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।